हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देखेंगे एक छोटे से सी मॉन्स्टर की कहानी जो पानी से बाहर की दुनिया देखने के चक्कर में बहुत मुश्किलों से गुजरता है। तो शुरू करने से पहले प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मूवी शुरू होती है 1959 से, जहां हम दो मछुआरों को समुद्र में मछली पकड़ते हुए देखते हैं। उनकी बातों से पता चलता है कि इस इलाके में कई सारे सी मॉन्स्टर देखे गए हैं, लेकिन उन्हें ये बस लोक कथा लगती है। तभी उनका सामना एक असली सी मॉन्स्टर से होता है जो उनकी बोट से कुछ सामान चुरा रहा था। वो से पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उनके चंगुल में नहीं फंसता। आगे हम समुद्र के नीचे एक दूसरे सी मॉन्स्टर को देखते हैं जिसका नाम लूका है। वो अपनी पालतू मछलियाँ चरा रहा है और तभी उसे कुछ इंसानी चीजें दिखाई देती हैं। वो उन्हें ध्यान से देखता है, लेकिन तभी एक बोट को देखकर डर जाता है। पता चलता है कि ये मॉन्स्टर असल में बिल्कुल खतरनाक नहीं है और इंसानों से उतना ही डरते हैं जितना इंसान इनसे। लूका नीचे अपने पेरेंट्स के साथ रहता है जो हर वक्त उसे इंसानों से सावधान रहने को कहते हैं, लेकिन लूका बाहर की दुनिया को करीब से देखना चाहता है। एक दिन वो एल्बर्टो नाम के मॉन्स्टर से मिलता है जो पानी में गिरी इंसानी चीजें इकट्ठा कर रहा है। वो उसके पीछे जाता है, जहां एल्बर्टो खुद तो पानी से बाहर जाता ही है, साथ ही उसे भी बाहर खींच लेता है। यहां हमें पता चलता है कि पानी से बाहर आते ही जैसे ही उनकी बॉडी पूरी तरह ड्राई होती है, वो बिल्कुल इंसानों जैसे रूप में आ जाते हैं। लूका पहली बार बाहर की दुनिया देखकर बहुत क्यूरियस होता है, लेकिन तभी उसे अपने पेरेंट्स की बात याद आती है और वो वापस पानी में चला जाता है। उस रात उसे नींद नहीं आती और वो अपने इस नए एक्सपीरियंस के बारे में सोचता रहता है। सुबह होते ही वो एक बार फिर किनारे के पास आता है, लेकिन बाहर जाने की हिम्मत नहीं कर पाता। तभी वहाँ उसे एल्बर्टो मिलता है और वो उसके साथ बाहर आ जाता है। वो उसे दो पैरों पर चलना सिखाता है और उसे लेकर अपने घर आ जाता है। वो बताता है कि वो पानी से बाहर यहाँ अपने पिता के साथ रहता है। उसकी बातों से लूका को लगता है जैसे कि सारी अच्छी चीजें पानी की बाहर की दुनिया में हैं। आगे लूका उसका घर देखता है जहाँ इंसानों से चुराई हुई काफी सारी चीजें हैं और वहीं दीवार पर उसे एक वेस्पा स्कूटर का पोस्टर दिखता है। एल्बर्टो उसे बताता है कि इंसानों का यह किया हुआ सबसे अच्छा इन्वेंशन है और इससे पूरी दुनिया की सैर की जा सकती है। लूका, जिसने पहली बार ऐसी कोई चीज देखी थी, वो वेस्पा की सवारी का सपना देखने लगता है। वो एल्बर्टो को उसके पास पड़े सामान से ऐसा ही एक स्कूटर बनाने को कहता है और वो दोनों उसे बनाने में लग जाते हैं। वो कई बार कोशिश करते हैं, लेकिन हर बार उनका स्कूटर टूट जाता है। वो दोनों मन ही मन एक असली वेस्पा की सवारी करने की ठान लेते हैं। इधर लूका के पेरेंट्स को पता चल जाता है कि वो रोज पानी से बाहर जाता है और वो प्लान करते हैं कि उसे उसके अंकल हुगो के साथ गहरे समुद्र में भेज देना चाहिए। लूका, जो अपनी इस लाइफ से बोर हो चुका था, उसे ये आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो एल्बर्टो से इस बारे में बात करता है जो उसे यहाँ से भाग चलने को कहता है। एल्बर्टो उसे बताता है कि वो लोग पास ही बने एक शहर पोर्टोरोसो में जाएंगे, जहाँ उसके पेरेंट्स उसे नहीं ढूंढ सकते। उन्हें लगता है कि वहाँ वो एक असली वेस्पा लेकर पूरी दुनिया घूम सकते हैं। आगे हम उन दोनों को छुपकर उस शहर में जाते हुए देखते हैं, जहाँ उनकी मुलाकात एक शैतान आदमी एल्कोले से होती है, जिसके पास एक नया वेस्पा स्कूटर है। यहाँ पता चलता है कि उस शहर में हर साल एक चैंपियनशिप होती है जिसमें जीतने वाले को काफी पैसे मिलते हैं और एल्कोले काफी सालों से इसे जीत रहा है। उन्हीं पैसों से उसने ये वेस्पा स्कूटर भी खरीदा है। वो लोग असली वेस्पा को देखकर बहुत खुश होते हैं, लेकिन एल्कोले उन्हें तंग करने लगता है। तभी एक जूलिया नाम की लड़की वहाँ आकर उन्हें एल्कोले से बचा लेती है। जूलिया से उन्हें पता चलता है कि इस चैंपियनशिप के तीन पार्ट हैं, स्विमिंग, साइकिलिंग और पास्ता ईटिंग, और जूलिया भी काफी टाइम से इसे जीतने की कोशिश कर रही है। वो लोग समझ जाते हैं कि ये चैंपियनशिप ही उनके वेस्पा के सपने को पूरा कर सकती है। वो जूलिया से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो तीनों एक टीम बनाकर इसमें पार्ट ले। जूलिया मान जाती है और डिसाइड होता है कि लूका साइकिलिंग, एल्बर्टो पास्ता ईटिंग और जूलिया स्विमिंग में पार्ट लेगी, क्योंकि लूका और एल्बर्टो खुद को गीला नहीं कर सकते, वरना वो मॉन्स्टर में बदल जाएंगे। जूलिया उन्हें अपने मछुआरे पिता मैसिमो से मिलवाती है, जिनका बचपन से एक ही हाथ है। उन्हें पता चलता है कि मैसिमो के पास चैंपियनशिप की एंट्री फीस भरने के पैसे नहीं हैं और वो दोनों मछलियां पकड़ने में उसकी मदद करते हैं। समुद्र की उनकी जानकारी का फायदा उठाकर मैसिमो ढेर सारी मछलियां पकड़ता है और वो लोग अपनी एंट्री फीस भरने जाते हैं। वहाँ उन्हें एल्कोले मिलता है जो उनकी टीम का मजाक उड़ाता है और उन्हें बुरी तरह हराने की कसम खाता है। इधर लूका के पेरेंट्स उसे ढूंढते हुए पानी से बाहर शहर में आ जाते हैं। वो लोग बच्चों को पानी में गिराकर लूका को ढूंढने लगते हैं। जूलिया भी एल्बर्टो को पास्ता ईटिंग की और लूका को साइकिलिंग की ट्रेनिंग देना शुरू करती है। जूलिया की स्विमिंग ट्रेनिंग के बीच में एल्कोले उन्हें परेशान करता है और लूका और एल्बर्टो अपना राज खुलने से बाल बाल बचते हैं। शहर में लूका अपनी माँ की आवाज सुनता है और उन्हें देखकर समझ जाता है कि वो उसे ही लेने आए हैं। आगे हम देखते हैं कि लूका और जूलिया में काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है और वो उसे
अपने स्कूल और किताबों के बारे में बताती है। वो लोग ज्यादातर टाइम साथ बिताने लगते हैं और एल्बर्टो इस बात से जलने लगता है। वो देखता है कि लूका अब उसको ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देता और हर वक्त जूलिया के बारे में ही बात करता है। आगे की सीन में हम उन्हें ट्रेनिंग करते हुए देखते हैं, जहां मैसिमो भी उनकी मदद कर रहा है। एक दिन लूका को देखकर उसकी माँ उसे पहचान लेती है, लेकिन लूका जल्दी से वहां से निकल जाता है। वो जूलिया से पूछता है कि क्या वो भी उसके स्कूल में पढ़ सकता है, और यह सुनकर एल्बर्टो नाराज हो जाता है। वो उसे याद दिलाता है कि उनका मकसद वेस्पा जीत कर दुनिया घूमना है। इस बात पर उनकी लड़ाई हो जाती है, लेकिन जूलिया वहां आकर उन्हें शांत करती है। एल्बर्टो गुस्से में आकर जूलिया को अपना असली रूप दिखाता है और कहता है कि क्या उनका स्कूल सी मॉन्स्टर को एडमिशन देगा। उसे लगता है कि इससे शायद जूलिया और लूका अलग हो जाएंगे, लेकिन लूका ऐसे प्रिटेंड करता है जैसे उसने पहली बार सी मॉन्स्टर देखा है। तभी वहाँ एरकोले आ जाता है और एल्बर्टो को वहाँ से भगा देता है। जाते हुए लूका उसकी आंखों में उदासी देखता है और वो खुद भी परेशान हो जाता है। घर आकर वो घबराहट में अनाप शनाप बोलने लगता है और जूलिया उसे चुप कराने के लिए उस पर पानी फेंकती है, और उसे पता चल जाता है कि लूका भी एक सी मॉन्स्टर है। वो उसे बताती है कि शहर में सी मॉन्स्टर पर इनाम रखा हुआ है और उसे यहाँ से चले जाना चाहिए। लूका उसे कहता है कि उसके पेरेंट्स भी उसे अपने से दूर करना चाहते थे, और यह कहकर वो वहाँ से चला जाता है। वो एल्बर्टो को ढूंढने उसके घर जाता है, जहाँ वो दीवार पर बने कुछ निशान देखता है। एल्बर्टो उसे बताता है कि वो यह निशान तब से बना रहा है जब से उसके पिता उसे छोड़कर गए थे। उसे लगता है कि वो एक बुरा लड़का है और इसीलिए उसके पिता उसे छोड़कर चले गए। लूका उसे उनके दुनिया घूमने के सपने की याद दिलाता है, लेकिन वो लूका को भी वहाँ से जाने को कहता है। लूका ठान लेता है कि वो अकेले ही यह रेस जीतेगा और उन दोनों के लिए वेस्पा स्कूटर खरीद कर लाएगा। अगले दिन रेस का पहला पार्ट स्टार्ट होता है, जो स्विमिंग है। लूका वहाँ एक मेटल का स्विमिंग सूट पहनकर आता है ताकि खुद को गीला होने से बचा सके। जूलिया उसे मना करती है क्योंकि ऑर्गेनाइजर्स ने सी मॉन्स्टर को पकड़ने के लिए पानी में आदमी बिठा रखे हैं। लूका उसकी बात नहीं मानता और किसी तरह वो रेस पूरी करता है। इसके बाद हम उन्हें पास्ता खाते हुए देखते हैं, जहां जूलिया सबसे पहले फिनिश करती है और साइकिल लेकर फाइनल राउंड पूरा करने चली जाती है। एरकोले भी अपने दोस्तों के राउंड के बाद साइकिल से निकल जाता है। लूका के साइकिल से निकलते ही वहां मौजूद उसके पेरेंट्स उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन लूका नहीं रुकता और कहता है उसे ये करना ही होगा। जल्दी ही वो जूलिया और एरकोले को क्रॉस करके सबसे आगे आ जाता है, लेकिन तभी वहां बारिश होने लगती है। लूका एक शेड के नीचे रुक जाता है और देखता है कि एल्बर्टो उसके लिए छाता लेकर आ रहा है। तभी एरकोले वहां आकर उसे धक्का मारता है, जिससे उसका असली रूप सबके सामने आ जाता है। एरकोले उसे एक जाल में कैद कर लेता है, लेकिन तभी लूका उसे बचाने आता है और पूरा शहर उनका असली रूप देखता है। एरकोले हार्पून लेकर उन्हें मारने उनके पीछे जाता है और वो लोग तेजी से शहर की गलियों से निकलने लगते हैं। एक जगह जाकर वो उन्हें घेर लेता है, लेकिन जूलिया उसकी साइकिल को टक्कर मार देती है और इससे वो खुद भी गिर जाती है। लूका और एल्बर्टो उसे उठाने वापस आते हैं, जहां एल्कोरे और कुछ मछुआरे उन्हें पकड़ने की कोशिश करते हैं। तभी मैसिमो वहां आता है और बताता है कि लूका और एल्बर्टो उसके दोस्त हैं और वो लोग ये रेस जीत गए हैं। एल्कोरे अपने दोस्तों से मदद मांगता है, लेकिन वो लोग भी उसका साथ छोड़ देते हैं। जूलिया ये देखकर बहुत खुश होती है और उसे लगता है कि फाइनली एल्कोरे का आतंक खत्म हो गया है। आगे हम देखते हैं कि उनके जैसे और भी सी मॉन्स्टर उस शहर में छुप कर रह रहे हैं। शहर के लोग भी सी मॉन्स्टर्स को एक फैमिली की तरह एक्सेप्ट कर लेते हैं और उनका स्वागत करते हैं। जीते हुए पैसे से लूका और एल्बर्टो एक पुराना वेस्पा खरीदते हैं, जिसे ठीक करके वो लोग अपना सपना पूरा करेंगे। आगे हम जूलिया को स्कूल जाते हुए देखते हैं, जहां मसीमो के साथ लूका और एल्बर्टो भी उसे छोड़ने आते हैं। लूका उसके जाने से उदास दिखता है और तभी एल्बर्टो उसे उसकी ट्रेन टिकट देता है। वो बताता है कि उसने वो वेस्पा बेच दिया है ताकि लूका स्कूल जाकर अपना सपना पूरा कर सके। तभी लूका के पेरेंट्स उसका बैग लेकर आते हैं और उसे स्कूल जाने की परमिशन देते हैं। लूका एल्बर्टो को भी साथ चलने को कहता है, लेकिन वो उसे बताता है कि मसीमो को यहाँ उसकी मदद की जरूरत है और वो अब उसके साथ ही रहेगा। एंड सीन में हम लूका को ट्रेन से स्कूल जाते हुए देखते हैं, जहाँ वो जूलिया के साथ मिलकर अपना पढ़ने का सपना पूरा करेगा। और इसी के साथ हमारी मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।